अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त ये मुगल, और आप देख रहे थे ये मुगल चैनल। तो जैसा कि आपको काफ़ी दिनों के बाद एक ब्लॉग लेके हूँ आपके सामने, और लास्ट ईयर भी एक मैंने कवरेज की थी मंडी की, जिसमें आपको मैंने जानवर वगैरह यहाँ पर दिखाए थे मंडी के, बाटा चौक इस्लामाबाद के। तो इसी तरह इस साल भी आपके सामने आया हूँ, और अभी इस टाइम हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो जानवर वगैरह है उनकी रेट वगैरह। और चलते हैं वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पहले बेड़े से, और ये जो बेड़ा है काफ़ी खूबसूरत है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, और ये धोंदा है। तो इसके बाद आपको दूसरा जानवर दिखाते हैं, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से जैसा कि आप देख सकते हैं, और हाइटेड भी है, और ये भी 2 दान में है, और इसकी प्राइस जो है ये 5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद ये खूबसूरत बैल देखें आप माशाल्लाह, कितना खूबसूरत बैल है, और बहुत ही प्यारा है ये भी माशाल्लाह से, और इसकी डिमांड जो है ये 3,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और ये भी 2 दांत है। और इसके साथ साथ ही आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक खड़ा हुआ टेंट में, ये भी काफ़ी खूबसूरत है और प्योर वाइट, और इसकी भी डिमांड ही ये 3,70,000 कर रहे हैं, ये भी 2 दांत है। अच्छा, ये एक और इसके बाद आपको दांत जो हम दिखा रहे हैं, और ये भी 2 दांत में ही है, और बहुत प्यारा ये एक्चुअली जो है ना ये रेसल है, और ये इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह भी लगा रहे हैं। बॉर्डर वगैरह सिर्फ ये इसलिए लगाते हैं बेसिकली कि जाके ये है कि इसके ऊपर जब थोड़ा सा इसके अंदर सॉफ्टनेस वगैरह है, और बाकी जो इसकी प्राइस वगैरह ये जो इसकी आस्किंग प्राइस डिमांड कर रहे हैं, और वो है इसकी 3,50,000 रुपये। फ्रेंड, अभी हम यहाँ पर आपको जैसा कि दिखा रहे थे बेड वगैरह की तरफ से, यहाँ पे हमने प्राइस वगैरह चेक किया। अभी शुरू में जो हमने आपको ये क्या कहते हैं जो भी हमने बेड वगैरह दिखाए हैं ना, इसके अंदर ये तो ज़्यादातर फतेह जंगी जो कि वाइट जिसके अंदर होते हैं टेंट्स वगैरह में। अभी जो हम उसके अलावा जो बाकी खड़े होते हैं लोग, जिनमें सहीवाल ब्रीड वगैरह है, और दूसरी जो है मुल्तान वगैरह की जहाँ के जो लोग हैं, वो वहाँ की हमने अभी आपको ब्रीड नहीं दिखाई बेड़ों वगैरह में। चलते चलते इसी के बीच में हमारे पास एक बकरों का भी आ गया था, और उसमें यह है कि अभी हम बकरों वगैरह का आपको प्राइस दिखाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या है, और उसके अलावा पूछते हैं इनके क्या है रेट्स वगैरह। दूसरे बेड़ों के तो आपने देख ही लिए, चलते हैं अभी इनके पास और इनसे पूछते हैं कि क्या रेट्स वगैरह है, फिर आपको बताते हैं। बाकी दूसरे बेड़ों की तरफ भी आपको इसके बाद लेके चलते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम आपको बकरों के प्राइस बताते हैं, और यहाँ पर हमने इनसे पूछा है, और ये कह रहे हैं कि ये दो एक ये वाला जो है ये चिक है, और ये 4 दांत में है, और इनकी जो प्राइस है ना ये दोनों की 3,20,000 रुपये इसकी प्राइस है, और वैसे जो है 1,70,000 रुपये एक बकरे की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद ये बकरा देखें काफ़ी खूबसूरत है, और ये भी 6 दांत में है, और इसकी जो ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो है 1 लाख रुपया, काफ़ी खूबसूरत है लेकिन दांत से ये 6 दांत का। अच्छा, तो फ्रेंड हम यहाँ पर बकरे वगैरह देख रहे थे, तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसके अंदर ये जो इन्होंने जंगले लगाए हुए हैं, इसके अंदर एक ये ऐसा जंगल है इसके अंदर काफ़ी अच्छे बकरे हैं, और मतलब अच्छे उसमें हैवी हैं ये सारे तकरीबन जो है ना, इन्होंने हमें बताया है कि ये सब 1.5 लाख के हैं तकरीबन, और इसमें से ये जो वो सामने खड़ा हुआ है वो सिर्फ 1 लाख रुपये इन्होंने डिमांड बताई है, और बाकी जितने खड़े हुए हैं ये सब 1.5 लाख के बकरे हैं, काफ़ी प्यारे हैं माशाल्लाह, और इनमें से कोई 4 दांत है और कोई 6 दांत है। और वीडियो में शायद आपको थोड़ा सा ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीचे जाली लगी हुई है, इस वजह से शायद छोटे नज़र आ रहे हूँ आपको हाइट में, लेकिन वैसे माशाल्लाह काफ़ी प्यारे बकरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने की जोड़ी है जी? 65,000। कितने की? 65,000 की। ये दोनों या चोगे? ये 65,000 की जोड़ी है जी माशाल्लाह, और ये दोनों दोंदे बता रहे हैं। अच्छा, कि जैसा कि आपको हम बकरे दिखा ही रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ ही बीच में ये दुम्बे भी हैं, ये भी काफ़ी प्यारे हैं माशाल्लाह से, लेकिन जो इनकी डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो 1.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, और इसकी भी सेम है, दोनों की डिमांड 1.5 लाख रुपये, मतलब कि 3 लाख रुपये जोड़ी का ये डिमांड कर रहे हैं, और दोनों दोंदे बता रहे हैं कि दोनों दोंदे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा था बकरे वगैरह, और इसी के साथ एक यहाँ पर हमें एक मैं ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे जंगले जिनका है, और इसके अंदर इनके पास काफ़ी अच्छे बकरे भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा, क्या नाम है आपका? जफर इस्लाम। जफर इस्लाम, अच्छा कौन से गांव से आप आए हैं? हम तलागंग टमन से हैं। तलागंग से हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं इनके बकरे भी दिखाता चलूँ, ये इनके पास बकरे हैं, और इनसे पूछते हैं चल के कि अच्छा मुझे बताएंगे कि ये कौन सी नस्ल है, और क्या कहते हैं आपके पास कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक के बकरे हैं, मतलब किस रेंज तक के बकरे हैं? ये राजनपुर की नस्ल है, और
ये तकरीबन 40 से लेकर लाख तक है जी। ठीक हो गया। तो इन्होंने जैसा कि आपको बताया कि 40,000 से लेकर लाख रुपए तक इनके पास बकरे हैं, सब अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपने अगर लेने हो तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी है जी? जी, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। 0305-5592-580। जी ठीक हो गया। तो फ्रेंड, अगर आपने कोई बकरा वगैरह लेना हो तो इनके पास भी आए, अच्छी प्राइस में बकरे हैं इनके पास सब, और देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे बकरे हैं। ये दोंदे चोगे मिक्स हैं सारे, ठीक है? तो ये सारे मिक्स हैं इनके पास, और आप आएँ इंशाल्लाह इनके पास, और इनके पास भी विज़िट करें तो ये भी आपको अच्छे बकरे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनके पास कजले हैं यहाँ पर, और ये भी काफ़ी प्राइस इनकी भी अच्छी है, और इनकी जो प्राइस स्टार्ट है वो भी 7,000 से स्टार्ट हो रही है, और डिफरेंट प्राइजेस हैं इनके पास भी, और 7,000 से लेके इनके पास भी 1.5 लाख तक के कजले अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी प्यारे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी एक दुम्बा दिखाया था और जोड़ी भी दिखाई है, काफ़ी प्यारी थी लेकिन प्राइस ज़्यादा थी उसी के मुकाबले में। यहाँ पर ये भी दुम्बा भी है, ये भी काफ़ी बड़ा है लेकिन इसकी प्राइस ये है कि कम है, और इसकी जो डिमांड है वो 1,05,000 रुपये है, और ये दुम्बा भी काफ़ी प्यारा है माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोंदा है ये भी। अच्छा, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बहुत बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं दोनों, ये जोड़ी बहुत प्यारी है और काफ़ी बड़े बकरे हैं ये माशाल्लाह से, और ये दोनों 6 दान में हैं और काफ़ी बड़ा बकरा है ये, और इसकी जो प्राइस है ना दोनों की वो 3.5 लाख रुपये जोड़ी की डिमांड कर रहे हैं, और बकरे भी माशाल्लाह बहुत बड़े हैं और बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। बस आप देख सकते हैं, जैसा कि और भी काफ़ी ज़्यादा बकरे वगैरह आप देख रहे हैं, और प्राइस वगैरह मैंने आपको बताई है, और अभी आपको लेके चलते हैं बाकी जो बेड़े वगैरह हैं उनकी तरफ, लेके चलते हैं और उनकी प्राइस भी बताते हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू में जो दिखाए हैं वो फतेह जंगी थे, और उसके अलावा जो अंदर मंडी में बाकी जो दूसरे ब्रीड है वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, और आपको जितनी भी हो सकेगी मैं मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये वाला बैल देख रहे हैं जैसा कि आप, और ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है, जितने भी बैल हैं माशाल्लाह खूबसूरत तो सारे ही हैं, एक से बढ़कर एक है, और ये भी काफ़ी माशाल्लाह हैवी है, और ये 4 दान में है, और इसकी जो प्राइस है ये 5 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। ये ब्राउन बैल जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है, और इसकी जो प्राइस है ये 1,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और ये भी दोंदा है। अच्छा दोस्तों, तो अगर आप मंडी में आते हैं और उसके अलावा आप ये चीज़ नहीं खाते, मंडी में आके सिर्फ घूम फिर के जाते हैं, तो फिर तो वो मज़ा नहीं है मंडी, क्योंकि मंडी की असल सुगात ही है। और ये मैं अभी दाने लेने खड़ा था तो ये भाई यहाँ पर खड़े हैं दाने वाले, तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह दाने दे रहे हैं माशाल्लाह से, तो वजन ये किस तरह है दाने? यार ये दाने कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए के दाने, साथ एक घर और एक गाड़ी आपको देनी पड़ेगी। ओह, ये पैकेट आप इतना महंगा ले रहे हैं? ये पैकेट महंगा है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि कुछ हीरे के कुछ जवाहरात मौजूद है, पता नहीं वजन कह रहे हैं कि आपके दानों में हीरे निकलते हैं, क्या कहते हैं कि आपके दानों के अंदर से हीरे निकलते हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ सब दाने हैं इसलिए। ये आपका प्यार है ना जी? ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, ये ले लिया माशाल्लाह नहीं। अच्छा, तो सामने ये जो आप बैल देख रहे हैं ये सिबी नस्ल का है, और ये हाइटेड होते हैं काफ़ी माशाल्लाह से, और इनकी माशाल्लाह निसामत भी होती है लेकिन ज़्यादातर ये हाइटेड होती है, और इसकी जो प्राइस है ये डिमांड कर रहे हैं ये 4 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं, और ये दांत से 4 दांतों में है। तो जैसा कि आपको बाकी ब्रीड तो दिखाई हैं, और ये भी एक है बहुत प्यारा, ये ऑस्ट्रेलियन है और काफ़ी बड़ा बैल है ये भी, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बैल है, 4 दांत में है, और इसकी प्राइस जो है ये 4 लाख रुपये। अच्छा, तो फ्रेंड जैसा कि आप ये वाला बैल देख रहे हैं, और ये भी 2 दान में है, और ये सहीवाली नस्ल है, और इसकी जो प्राइस है वो 165 डिमांड कर रहे हैं। दोंदा है चोगा? दोंदा है। कितने पैसे जी? 160। शूटिंग ये इसके लिए 1,60,000 रुपये मांग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये वाला बैल। ये जो बैल आप देख रहे हैं जी, ये 2 दांत है और सहीवाली नस्ल है, और इसकी जो प्राइस है ये 155 डिमांड कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, ये जो आप बैल देख रहे हैं ये यहाँ पर अभी सेल हुआ है, और माशाल्लाह बड़ा बैल है, और ये 225 में सेल हुआ है यहाँ पर, 2,25,000 में। अच्छा, तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला बैल बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और ये 2 दांत में है, ये भी बहुत खूबसूरत बैल है, और इसकी प्राइस जो है 2,80,000 रुपये डिमांड कर। ये बैल देखें जी माशाल्लाह, बहुत बहुत ही कमाल का बैल है, और खूबसूरती में भी बेमिसाल है, और उसके अलावा
वैसे तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह हाइटेड है और बहुत प्यारा है बैल है और काफ़ी हैवी है और इसकी डिमांड जो ये कर रहे हैं ये 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर फतेह जंगी बैल है बहुत ही खूबसूरत बैल है माशाल्लाह। अच्छा जी ये देखिए जी माशाल्लाह ये जो बैल है ये ऑस्ट्रेलियन है और बहुत बड़ा बैल है यहाँ पर मंडी में ना मतलब अभी तक जितना भी मेरे सामने बैल वगैरह आए हैं उनमें ये काफ़ी बड़ा बैल है आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह ये लंबाई में भी बहुत ज़्यादा है और खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा है और हैवी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी माशाल्लाह उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है इसकी डिमांड ये कर रहे हैं ये 4 दांत में और उसकी डिमांड ये कर रहे हैं 10 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत तो है और कीमत भी फिर उस हिसाब से ही है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे ब्लॉग बना के जितना कोशिश कर सका दिया और यहाँ पर ऐसा है एक्चुअली यहाँ पर जानवर तो बहुत ज़्यादा है दिखाने को तो बंदा वीडियो जितनी लंबी करता रहे और वीडियो ख़त्म नहीं होती लेकिन ये है कि मैंने जितनी कोशिश की है बकरों को और भेड़ों को कोशिश करने की कम्प्लीट के ब्लॉग में लेके हूँ मैंने प्राइजेस बताई हैं ओवरऑल और ऊँट वगैरह इसके अंदर भी मैंने अभी दिखाए क्योंकि वो अलग साइड पर थे और जिसकी वजह से ये है कि मैं उस साइड पर नहीं गया अभी वो इंशाल्लाह अगर मैंने नेक्स्ट ब्लॉग बनाया तो उसमें मैं इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये है कि आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर से लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे।